ar Rahman Rahim, we have discussed four lessons which we learned from global financial crisis. Now we discuss two more lessons in this lecture. Fifth lesson, and the first in this lecture is that the target inflation rate should be increased. ज्यादातर जो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हैं स्पेशली जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम्स के अंदर हैं या अदरवाइज डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर जो इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी में ना होते हुए भी इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं उनका ज्यादातर जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट टारगेट का है वो टू परसेंट है तो एक ये यह यहां से सजेशन निकलती है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कि उस एवरेज रेट को टू परसेंट की बजाय फोर परसेंट कर दिया जाए अब ये सजेशन क्यों है कि टारगेट टू परसेंट है और वो टू परसेंट का टारगेट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले कंट्रीज ने अचीव भी किया लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त ऐसा प्रॉब्लम आया कि बाद में ये फीलिंग आई कि अगर इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए इन्फ्लेशन के टारगेट को देन इट विल बी हेल्पफुल इन क्राइसिस अब ये कैसे होगा देखें फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त इंटरेस्ट रेट जीरो हो गया ऑलमोस्ट हम जिसको बार बार जीरो लोअर बाउंड की बात करते हैं अब अगर जीरो लोअर बाउंड पे चला जाए इंटरेस्ट रेट आप इसको सिंपल कंसीडर करें कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जीरो हो गया तो अगर इन्फ्लेशन का टारगेट टू परसेंट हो और वो टारगेट क्रेडिबल हो यानी कि पब्लिक उस पर यह टू परसेंट का टारगेट अचीव हो जाएगा फ्यूचर में तो इसका मतलब है रियल एंटीसिपेटेड इंटरेस्ट रेट जो होगा वो होगा माइनस टू परसेंट जीरो परसेंट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस टू परसेंट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो जो रियल इंटरेस्ट रेट है एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट वो हो जाएगा माइनस टू परसेंट और हमने कहा था यहां पे कन्वेंशनल टूल्स इसलिए फेल हो जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट इससे नीचे नहीं जा सकता रियल इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए लेकिन अगर सेंट्रल बैंक का टारगेट ही फोर इन्फ्लेशन रेट होता तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव फोर हो जाता जीरो परसेंट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस फोर परसेंट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो रिजल्ट निकलता रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो माइनस फोर परसेंट है तो पॉलिसी ज्यादा लूज हो जाती तो वो जो कन्वेंशनल टूल फेल हो रहा था उसका प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाता कि पॉलिसी जो है वो खुद खुद ब जब क्राइसिस की सिचुएशन होती तो उस वक्त लूज हो जाती एक्सपेंशनरी हो जाती और इकॉनोमी जो है वो जल्द रिकवर कर जाती क्राइसिस की सिचुएशन से या रिसेशन से अब ये जो टारगेट इन्फ्लेशन रेट है ये क्या वाकिोर परसेंट तक ले जाना चाहिए क्योंकि हमने जीरो लोअर बाउंड वाला जो केस डिस्कस किया उसके मुताबिक तो ये सजेशन ठीक लगती है लेकिन हमें इसको वैसे भी तो इवेलुएट करना है कि क्या ये सजेशन ठीक है कि टारगेट इन्फ्लेशन रेट जो कंट्रीज टू परसेंट करते हैं उन्हें फोर परसेंट कर लेना चाहिए या जो फाइव परसेंट करते हैं उन्हें उससे बढ़ा देना चाहिए तो क्या ऐसा होना चाहिए तो एक पॉइंट तो इसमें यह आएगा कि जो जीरो लोअर बाउंड है या जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो रूटीन मैटर नहीं है ऐसा बार बार नहीं होता ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन में होता है तो सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर जो प्रॉब्लम आया उसके सोल्यूशन के लिए पूरी जिंदगी का इन्फ्लेशन टारगेट क्या बढ़ा देना चाहिए ये एक सवाल आएगा क्योंकि वो क्राइसिस की सिचुएशन में तो फायदा देगा लेकिन जो नॉर्मल रूटीन डेली लाइफ के मैटर्स हैं उनमें तो हायर इन्फ्लेशन रेट नुकसान देता है तो ये एक इशू होगा दूसरा ये इसमें मसला आएगा कि जब एवरेज इन्फ्लेशन रेट टू परसेंट हो तो टू परसेंट इज कंसीडर्ड क्लोज टू जीरो यानी कि जीरो हो टू हो, हो इसको तो ऑलमोस्ट आप जीरो कंसीडर कर सकते हैं फोर परसेंट इतना लो इन्फ्लेशन नहीं है फोर परसेंट थोड़ा कंसीडरेबल है यानी कि थोड़ा हायर साइड पे है तो अगर फोर परसेंट को सेंट्रल बैंक टारगेट कर रहे होंगे तो ऐसा बड़ा पॉसिबल uh, है इसकी प्रॉबिबिलिटी बड़ी हाई है कि किसी वक्त लोग जो है वो हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बना लें कि फोर परसेंट है और एक परसेंट से अगर मसलन टारगेट मिस हो जाए और इन्फ्लेशन रेट फाइव परसेंट हो जाए तो लोगों को लगेगा तो ये तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो फाइव सिक्स सेवन की एक्सपेक्टेशन बना लें तो इन्फ्लेशन रेट फिर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा फिर इवन वो फोर परसेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा सेंट्रल बैंक तो इसलिए शायद टू परसेंट पे मेंटेन करना ठीक है तो अगर हम इसको कंक्लूड करें डिस्कशन को तो रिजल्ट ये निकल रहा है कि क्राइसिस की सिचुएशन में शायद हायर साइड पे इन्फ्लेशन टारगेट बेनिफिशियल होता है अगर पहले से उधर हो तो क्राइसिस में वो फ्रूट बेनिफिशियल होगा जबकि नॉर्मल जो लाइफ है यानी कि जो क्राइसिस uh, के अलावा के दिन हैं या टाइम पीरियड है इकोनॉमी के ऊपर उसमें जो है वो लोअर इन्फ्लेशन का टारगेट ज्यादा वैल्यूएबल होता है लास्ट जो पॉइंट है इसमें सिक्स वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट ये लेसन भी हमने लर्न किया है और वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स को रिजिड नहीं होना चाहिए या कंट्रीज को रिजिड नहीं होना चाहिए किसी एक इन्फ्लेशन के नंबर पे कि हमने टू परसेंट हर सूरत में अचीव करना है इसलिए कि अगर उस पर रिजिड रहेगा वो कंट्री और फिर उसकी मॉनिट्री पॉलिसी तो वो हो सकता है इन्फ्लेशन का टारगेट तो अचीव कर ले लेकिन जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन्फ्लेशन का टारगेट या प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो एंश्योर नहीं करती कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी बल्कि सेंट्रल बैंक को एक्सप्लिसिटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा और वो केयरफुल ये है कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए कि अगर नॉर्मल सिचुएशन हो तो इन्फ्लेशन को टारगेट करें प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करें लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है और फाइनेंशियल सेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर इन्फ्लेशन का टारगेट थोड़ी देर के लिए छोड़ के भी फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी इंश्योर करनी पड़े तो सेंट्रल बैंक को ऐसा करना चाहिए यह अलग बात है कि यह जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो मिस ही करना पड़े ये हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक के पास भी दो ऑप्शन होती हैं मॉनिटरी पॉलिसी और मैक्रो प्रोडेंशियल पॉलिसी उन दोनों से दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं लेकिन इस डिस्कशन को हम अगले लेक्चर्स में करेंगे थैंक यू